तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला एमके स्टालिन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा, जिसने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भर्ती के लिए तहरीर इम्तिहान में तमिल जुबान को शामिल करने का मुतालबा किया गया है। तमिलनाडु हुकूमत ने एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आला ने मरकजी वज़ीर दाखिला को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि CRPF में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान के नोटिफिकेशन में यह जिक्र किया गया कि इम्तिहान अंग्रेजी या हिंदी में दे सकते हैं। रियासती हुकूमत ने एक बयान में कहा कि CRPF में 9212 आसामियों से 579 को तमिलनाडु से पुर किया जाना है और इम्तिहानात रियासत भर में 12 मराकज पर मुनाकिद हो रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि लेकिन तमिलनाडु के उम्मीदवार अपने आबाई इलाके में अपने मादरी जबान में इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। सरकारी रिलीज में कहा गया 100 नंबरों में से 25 नंबरों के लिए हिंदी की समझ और हिंदी बोलने वाले तलबा के लिए फायदेमंद होगा। रियासती हुकूमत के बयान के मुताबिक तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला ने खत्ते में कहा कि CRPF का नोटिफिकेशन तमिलनाडु से इस अहदे के लिए दरख्वास्त देने वालों के खिलाफ है और न सिर्फ एक बल्कि इम्तियाजी भी है। वज़ीर दाखिला शाह से मुलाकात की थी और गैर हिंदी बोलने वाले रियासतों के उम्मीदवारों को अपनी मादरी जुबान में इम्तिहान देने की इजाजत देने के लिए उनकी फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की थी, लेकिन अब तक मरकजी हुकूमत ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है।